मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कवि रसखान द्वारा रचित रचना का अध्ययन आरंभ करते हैं। रसखान जी का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम खान था, रसखान उनका उपनाम था। वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण की सुंदरता, प्रेम, श्रृंगार, भक्ति से ओतप्रोत सवैयों का लेखन किया और इनकी रचनाओं को बहुत सराहा गया, उसकी स्तुति की गई। श्री कृष्ण के भक्तों में सूर, मीरा, रहीम आदि के साथ इनका नाम भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। कविवर ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, गोचरण लीला का, कुंज विलास का, चीरहरण, पनघट, गोकुल ब्रज प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत पद लिखने के साथ साथ उन्होंने गोपियों द्वारा मुरली के प्रति जो सोतिया ढा व्यक्त किया, उस पर भी बड़े रसीले पद रचे हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में लिखा कि वो अत्यधिक मनमोहक रूप के स्वामी, उनके सिर पर मोर पंख का मुकुट, सांवले सलोने शरीर पर पीत वसन, गले में वैजंती फूलों की माला, हाथ में बांसुरी, बाजूबंद, माथे पर टीका आदि उनके सौंदर्य का विशेष श्रृंगार रहा, हिस्सा रहा। और उनके सामने करोड़ों कामदेव भी फीके जान पड़े। मिट्टी से भरा हुआ बाल रूप हो अथवा वो किशोरा अवस्था में गोपियों के साथ खेल कर रहे हों, अथवा मथुरा में उन्होंने मनमोहक रूप धारण किया हो, हर एक रूप सौंदर्य को रसखान जी ने बड़े सुंदर शब्दों में उकेरा है। उन्होंने गोप लीलाओं का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति अनन्य एक निष्ठ प्रेम भावना और प्रेम की एक निष्ठता, यहाँ तक कि गोपियों को श्री कृष्ण की बांसुरी की संगत भी प्रिय नहीं लगती है। वो इस बांसुरी को अपनी सौतन भी मानती हैं और इस बांसुरी की आवाज़ की वो दीवानी भी हैं। कवि ने यह भी इन पदों में स्पष्ट किया है कि मनुष्य चाहे कितने ही वेद पुराण ग्रंथ आदि पढ़ ले, लेकिन प्रभु को पाने के लिए सच्चा प्रेम ही काफ़ी है, क्योंकि ईश्वर प्रेममय है। यदि प्रेम नहीं होगा तो ईश्वर को पाना भी सरल नहीं है। जो भक्त प्रेममय है, वह तुच्छ से तुच्छ वस्तु से प्रभु को अपने साथ रिझा सकता है। रसखान जी ने ब्रज में खेली जाने वाली होली का सुंदर चित्रण भी यहाँ में किया है। उन्होंने बताया है कि सभी ऋतुओं में बसंत अत्यंत मोहक होती है और उसका व्यापक असर संपूर्ण प्रकृति के साथ साथ जीव जगत पर भी देखा जा सकता है। इस बसंत के महीने में फाग के त्यौहार पर प्राय सभी अपने अपने साथियों से मिलते हैं, तो कवि ने यहाँ गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति शिकायत, उनके प्रेम की एक निष्ठता, नोक झोंक आदि का बड़ा सुंदर सजीव चित्रण किया है।
इन पदों में श्री कृष्ण के जिस बहुरंगी रूप की झलक हमें मिलती है वो इस प्रकार हैं। आगामी सवैयों में हम उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और निश्चित रूप से जब आप उन्हें सुनेंगे तो आप भी महसूस करेंगे कि रसखान द्वारा रचे गए ये सवैये वास्तव में रस की खान ही हैं। सवैया संख्या 4। कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हम को चाहिए, निस्धोस रहे संग साथ लगी ये सोतिन तापन क्यों सहिए, जिन मोहि लिया मन मोहन को रस खानी सदा हमको दहिए, मिली आओ सबे सखी भाग चले अब तो ब्रज में बंसुरी रहिए। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कविवर रसखान द्वारा रचित छंद उपशीर्षक कविता से लिया गया है। संदर्भ इस सवैये में कवि ने गोपियों का बांसुरी के प्रति जो सोतिया ढा है उसे स्पष्ट किया है और वो बताते हैं कि श्री कृष्ण का बांसुरी बजाना गोपियों को अत्यंत प्रिय था और उसी की आवाज के सहारे वो श्री कृष्ण के निकट पहुंचती थी, मगर जब वहां पहुंचती तो बांसुरी बजाने में श्री कृष्ण की तल्लीनता को देखकर, गोपियों के प्रति अनासक्ति को देखकर गोपियां बांसुरी को अपनी सोत समझती थी, दुश्मन समझती थी और उसे ईर्ष्या करती थी। इसी ईर्ष्या के चलते एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, अपनी सखी से क्या कहती है वह इस सवैये में स्पष्ट हो रहा है। व्याख्या यहां एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि पहले शब्दों के अर्थ, काने कन्हैया भय हो गए हैं बस वश में, वशीभूत बांसुरी मुरली के अब इसके बाद कौन कौन सखी सहेली हमको हम गोपियों को चाहिए चाहेगा। वह गोपी अपनी सहेली अपनी सखी से कहने लगी कि हे सखी अब तो हमारे श्री कृष्ण इस बांसुरी के वश में हो गए हैं, इसी से प्रेम करते हैं, अब जो श्री कृष्ण ही हमें इस जगह प्रेम करते थे इनके बाद हमें कौन प्रेम करेगा, अर्थात अब श्री कृष्ण इस बांसुरी का छोड़कर हमें प्रेम नहीं करेंगे। निस्धोस रहे संग साथ लगी, निस रात, द्योस दिन, रहे रहती है, संग साथ निकट, लगी लगकर, यह बांसुरी सोतिन तापन क्यों सहिए, कि हम इस सोतिन के प्रति या इस सोतिन के कारण क्यों जलें, क्यों पीड़ा सहन करें, क्यों वेदना सहन करें, कि अब तो हे सखी यह बांसुरी श्री कृष्ण के निकट रहती है, साथ साथ घूमती है, हम इस सोतन के कारण अपना मन क्यों जलाएं, क्यों दुखी हो, क्यों दर्द सहन करें, जिन मोहि लिया मन मोहन को, जिन जिस मोह लेना आकर्षित कर लेना प्रेम में बांध लेना, लिया ले लिया है मन मोहन को श्री कृष्ण को, रसखानी रसखान जी कहते हैं, सदा हमेशा हमको हम गोपियों को दहिए जलाती रहती हैं, कि ये वो बांसुरी है रसखान जी कहते हैं, गोपियां कहने लगी ये वो बांसुरी है जिसने हमारे श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, अपने काबू में कर लिया है और रात दिन इनके निकट रहकर हमें जलाती है, अर्थात गोपियां श्री कृष्ण की उस बांसुरी के प्रति ईर्ष्या भाव जलन भाव अपने मन में समेटे हुए हैं। मिली आओ सबे सखी भाग चले अब तो ब्रज में बंसुरी रहिए, तो वह गोपी कहने लगी कि हे सखियों मिली मिलकर आओ आ जाओ सबई हम सब भाग चले ब्रज से भाग जाएं,
क्योंकि अब तो इसके बाद ब्रज ब्रज में बांसुरी मुरली रही रहेगी कि ये सखियों अब हमारा ब्रज में रहने का कोई फायदा नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम के लिए हम ब्रज में थी और अब श्री कृष्ण का सारा प्रेम इस मुरली को मिल रहा है, इस बांसुरी को मिल रहा है, तो आओ अब हम सब ब्रज को छोड़कर कहीं और भाग जाती हैं। एक बार फिर हम इस सवैये की व्याख्या करते हैं। कवि बता रहे हैं कि ब्रज की गोपियां मुरली के प्रति अपने मन में सोत भाव समेटे हुए थी, इसलिए एक गोपी अपनी सखी से कहती है, कान्हे भये बस बांसुरी के, कि कन्हैया तो श्री कृष्ण तो अब बांसुरी के वश में हो गए हैं, जैसा बांसुरी चाहती है वो वैसा ही करते हैं। कौन सखी हमको चाहिए, कि अब ब्रज में ऐसा कौन है जो हमसे प्यार करेगा, हमें चाहेगा। निष्द्योष रहे संग साथ लगी, कि यह तो रात दिन श्री कृष्ण के साथ साथ ही रहती है और साथ घूमती है। यह सोतिन तापन क्यों सहिए, कि हम इस सोतन के द्वारा दिए गए दर्द को, पीड़ा को, कष्ट को क्यों सहें। जिन मोही लियो मन मोहन को, कि जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, अपने काबू में कर लिया है, अब श्री कृष्ण को उसी के साथ ही रहने दो, हम क्यों इनके निकट जाएं। रसखानी सदा हमको दइए, कि रसखान जी कहते हैं इस बांसुरी के कारण श्री कृष्ण जी हमेशा हमें उसे अपने निकट रखकर जलाते हैं। अर्थात गोपी कहने लगी कि ये बांसुरी श्री कृष्ण के निकट लगी रहती है और दिन रात हमें जलाती रहती है, हमें तड़फाती रहती है। मिली आओ सबे सखी भाग चले, कि हे सखियों आओ हम सब मिलकर ब्रज से कहीं दूर भाग जाएं, क्योंकि अब वो श्री कृष्ण जो हमें प्यार करते थे वो बांसुरी से प्रेम करने लगे हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए, कि अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहेगी, हमारा यहाँ रहना संभव नहीं है। अर्थात हम यहाँ रहकर क्यों बांसुरी के कारण पीड़ा और श्री कृष्ण की उपेक्षा को सहन करें। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि मनुष्य अथवा जीव जब किसी तत्व से या वस्तु से प्रेम करता है तो उसकी तनिक भी दूरी उसे बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ गोपियों का भी इसी नैसर्गिक प्रवृत्ति के साथ श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम स्पष्ट हुआ है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। लक्षणा शब्द शक्ति है। वियोग श्रृंगार रस और माधुर्य गुण है। सवैया छंद है। ये शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में क्यों प्रश्न, बस बांसुरी अनुप्रास, निष्द्योष पद्मैत्री, रसखानी श्लेष, स्वभावोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। सवैया संख्या 5। लोक की लाज तजी तब ही जब देख्यो सखी ब्रज चंद सलोनो, खंजन मीन सरोजन की छवि गंजन नैन ललादिन होनो, रसखानी निहारी सके जो संभारी के कोतिय है वह रूप सुठोनो, बो कमान सो जोहन को जब बेदत प्राणनी नंद को छोनो। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ, इस पद में श्री कृष्ण का अत्यंत मनमोहक, अनुपम, अलौकिक, अद्वितीय रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यहाँ गोपियाँ जब श्री कृष्ण के इस आकर्षक रूप को देखती हैं, मोहक रूप को देखती हैं, तो देखती ही रह जाती हैं। इसीलिए एक गोपी अपने मनोभावों को प्रकट कर अपनी सखी से कहती है कि व्याख्या, पहले शब्दों के अर्थ, लोक संसार की लाज शर्म तजी छोड़ दी,
तभी उसी समय जब जब देखियो देख लिया सखी सहेली ब्रजचंद ब्रज का चंद्रमा सलोनो आकर्षक। गोपी अपनी सखी से कहने लगी, हे सखी, जब से मैंने ब्रज के चांद ब्रज के चंद्रमा श्री कृष्ण के आकर्षक मोहक रूप को देखा है, तब से मैंने और ब्रज की नारियों ने संसार की शर्म को छोड़ दिया है। अर्थात श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य देखकर ब्रज की नारियां श्री कृष्ण की दीवानी हो गई और उन्होंने सामाजिक मर्यादा को त्याग दिया। और उनकी सुंदरता का क्या क्या अंग है उसका वर्णन करते हुए अपनी सखी से कहती हैं, खंजन मीन सरोजन की छवि। खंजन, खंजन एक विशेष प्रकार का पक्षी है, मीन मछली, सरोजन कमल के फूल, की छवि कोमलता और सुंदरता, गंजन गंजन पक्षी जैसे, नैन आंखें, लला लालित्य से भरे, सुंदरता से भरे, दिन दिन होनो हो गया कि हे सखी, श्री कृष्ण की आंखों की सुंदरता तो खंजन पक्षी के समान, मछली के समान चंचलता, कमल के समान कोमलता और गंजन पक्षी की भांति उसमें लालिमा समाई हुई है। जब से श्री कृष्ण की इस छवि को देखा है, इस सुंदरता को देखा है, तब से मेरा मन उनके प्रति समर्पित हो गया है या मेरे जीवन में उजाला हो गया है, दिन हो गया है। रसखानी निहारी सकूज संभारी के कोतिय है वह रूप सुठोना। रसखानी रसखान जी कहते हैं और दूसरा रसखान शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण। निहारी देख सके सकती है जो आपको संभारी संभाल के कर, को कौन सी तीय स्त्री है वह रूप सुठोना। वह श्री कृष्ण का इतना अधिक मोहक रूप है। रसखान जी कहते हैं कि वो सखी कहने लगी, ब्रज की ऐसी कौन सी नारी है जो श्री कृष्ण के उस अद्भुत अनुपम रूप को देखकर अपने तन मन पर काबू रख सके, अपने आप को वश में रख सके और अपनी मर्यादा का पालन कर सके। अर्थात ब्रज की कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो श्री कृष्ण की मोहनी छवि को देखकर अपने मन को संभाल पाई हो। और गोपी ये भी बता रही है, भो भोहे कमान कमान के समान तिरछी, सो से जोहन देखना को सब सारे के सारे, बेदत बींद देती है प्राणनी प्राणों को, नंद को छोनो कि नंद बाबा का वह बेटा। कि गोपी कहती है हम अपने मन को काबू में भी कैसे रखें, क्योंकि जब नंद बाबा का वह बेटा अपनी तिरछी कमान जैसी भोगों से अपनी आंखों को तिरछी करके जब हमें देखता है तो वह प्राणों के अंदर तक बींद डालता है, बेद देता है। अर्थात वह मनुष्य को अपने वश में कर लेता है। एक बार फिर बच्चों इस पद की व्याख्या कर रही हूँ, इस सवैये की व्याख्या कर रहे हैं। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के बाद अपनी सखी से कहती है कि हे सखी देख, जब से ब्रज के चंद्रमा श्री कृष्ण को देखा है, उसके आकर्षक रूप को देखा है, मोहक रूप को देखा है, तब से सब ब्रज की नारियों ने लोक लाज छोड़ दी है। अर्थात सामाजिक शर्म का त्याग कर दिया है। श्री कृष्ण की उन आंखों में खंजन जैसा सौंदर्य, मछली जैसी चंचलता, कमल जैसी कोमलता और गंजन पक्षी के जैसी लालिमा समाई हुई है। जिसने उन आंखों को देखा है उसके जीवन में उजाला हो गया है।
रसखानी निहारे सके जू संभारी के कोती ये है वह रूप सुठोना। गोपी कहने लगी कि हे प्यारी सखी, श्री कृष्ण का रूप तो इतना अधिक आकर्षक और मोहक है कि ऐसी कौन सी ब्रज की नारी है जो उस आकर्षक रूप को देखकर उसके सौंदर्य में खोए बिना रह गई। अर्थात कोई भी ब्रज की ऐसी नारी नहीं है जो श्री कृष्ण के सौंदर्य से प्रभावित न हुई हो और उससे अथवा श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी नहीं है। और हो भी कैसे नहीं, क्योंकि भो कमान सो जोहन को सब बेदत प्राणिनी नंद को छोनो, कि वे नंद बाबा का बेटा जब अपनी तिरछी भोवों से तिरछी आंखों को करके किसी को देखता है तो वह उसके प्राणों को बीध देता है, बेद डालता है। अर्थात जब कन्हैया किसी को इस प्रकार देखते हैं तो सभी उस सौंदर्य के दीवाने होकर अपने तन मन की सुध खो बैठते हैं। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण का आकर्षक रूप संपूर्ण ब्रज पर जादू बनकर छाया हुआ है और सब उस जादू के वश में हैं। विशेष यहाँ श्री कृष्ण की रूप माधुरी का चित्रण है, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, भक्ति रस अथवा श्रृंगार रस दोनों लिखे जा सकते हैं, प्रसाद गुण है, सवैया छंद है, गेय शैली और संगीतात्मकता है। इस पद में रूपक, अनुप्रास, संबोधन, श्लेष, उल्लेख, कारण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। सवैया संख्या 6, धूर भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, डोलत खात फिरई अंगना पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी, वाछवी कोरस खानी विलोकत बारत काम कलानिच कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ, इस पद में श्री कृष्ण के उस बाल रूप का चित्रण है जिसमें वो अपने घर के आंगन में माखन रोटी हाथ में लेकर खेल कर रहे हैं, घूम रहे हैं और सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तभी एक कौवा आया और श्री कृष्ण के हाथों से रोटी और माखन छीनकर भाग गया। तो श्री कृष्ण के स्पर्श की हुई रोटी जो उस कौवे को मिली, उसे देखकर गोपियों के मन में जो भाव उत्पन्न हुए वो इस सवैये में स्पष्ट किए गए हैं। व्याख्या, धूर धूली मिट्टी भरे भरे हुए अति अत्यधिक शोभित सुंदर लगते हैं श्याम श्री कृष्ण जू जू तैसी उसी सुंदरता के साथ बनी बनी हुई है सिर सिर सुंदर आकर्षक छोटी छोटी, कि एक गोपी अपनी सखी से बता रही है कि हे सखी सुन, आज मैंने देखा कि बालक श्री कृष्ण घुटनों के बल चलने के कारण, मिट्टी में खेलने के कारण मिट्टी से भरे हुए अत्यधिक आकर्षक लग रही हैं और उतनी ही सुंदर उनके सिर पर एक चोटी बनी हुई है। अर्थात गोपी को श्री कृष्ण का वो बाल रूप अत्यंत मोहक लग रहा है जिसमें उसके छोटे छोटे बालों की एक चोटी माँ यशोदा ने उसके सिर पर बना रखी है और घुटनों के बल चलने के कारण श्री कृष्ण का पूरा शरीर मिट्टी से भरा हुआ है। डोलत खात फिरई अंगना, डोलत घूम रहे हैं, खात खाते हुए, फिरई गोल गोल, अंगना आंगन में, पग पांव पैंजनी पायल बाजती बज रही हैं, पीरी पीले रंग की कचोटी धोती का छोटा आकार, अर्थात उसे घुटनों के ऊपर समेटकर बांध देना, पहनने का एक छोटा, छोटे बच्चों के पहनने का एक कपड़ा, कि गोपी कहने लगी कि वह नंद बाबा के आंगन में घूमते हुए
और माखन रोटी खाते हुए अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनके पाँव में पायल बज रही थी और उन्होंने अपने कमर पर छोटी पीले रंग की धोती पहन रखी थी। वा छवि को रस खानी विलोकत, वा उस प्रकार की छवि सुंदरता को रस खानी, कवि रसखान और श्री कृष्ण विलोकत देखते ही भारत नौछावर करने को तैयार थे। काम कामदेव कला अपनी सुंदरता निज खुद की कोटि करोड़ों कि रसखान जी कहते हैं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण की उस सुंदरता को देखकर तो स्वयं कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को भी उस पर वार कर नौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, काग कौवा के भाग भाग्य बड़े विशाल, बहुत बड़े यानी भाग्यशाली है कौवा। सजनी है सखी हरी श्री कृष्ण हाथ हाथ सो से ले लेकर गयो चला गया माखन रोटी मक्खन और रोटी की। हे सखी मुझे तो लगता है वह कौवा बहुत भाग्यशाली है जिसने श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी ले ली और दूर आकाश में उड़ गया। अर्थात वह कितना भाग्य का धनी है जिसे श्री कृष्ण के हाथों से स्पर्श की हुई मक्खन रोटी खाने का मौका मिल जाए, अर्थात श्री कृष्ण का साक्षात प्रसाद मिल जाए, फिर जीवन में उसके कोई अभाव या कमी नहीं हो सकती। एक बार फिर बच्चों इस सवैये की हम व्याख्या करते हैं। यहाँ एक गोपी अपनी सखी से कहती है, धूर भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिन सुंदर छोटी कि हे सखी मिट्टी से भरे हुए श्री कृष्ण का शरीर अत्यधिक सुंदर लग रहा था, आकर्षक लग रहा था और वैसी ही मनमोहक उनके सिर पर छोटी सी सुंदर चोटी बनी हुई थी। डोलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजती पीरी का चोटी कि वो अपने हाथ में मक्खन रोटी लेकर अपने बाबा नंद के आंगन में घूमते हुए उस रोटी को खा रहे थे। उनके पाँव की पायल बज रही थी और उन्होंने अपने कमर पर एक पीले रंग की छोटी सी धोती पहनी हुई थी। वा छवि को रस खानी विलोकत भारत काम कला निज कोटी कि रसखान जी कहते हैं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण की उस सुंदरता को देख कर तो स्वयं कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्योछावर करने को तैयार हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी कि हे सखी कौवे के भाग अत्यंत बड़े थे, अर्थात कौवा अत्यधिक भाग्यशाली था जो श्री कृष्ण के हाथों से इस प्रकार माखन रोटी लेकर दूर आकाश में उड़ गया। अर्थात कहने का भाव यह है कि उसे श्री कृष्ण का वो प्रसाद प्राप्त हो गया जिससे उसे निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। भावार्थ, कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण का रूप और सौंदर्य अत्यंत लालित्य से भरा हुआ था और कौवे द्वारा उनके द्वारा ग्रहण की गई जो मक्खन रोटी ली गई वह उसके जीवन को कल्याण की ओर मुक्ति की ओर लेकर जा रही है। विशेष, यहाँ श्री कृष्ण के बाल रूप और बाल क्रीड़ाओं का अत्यंत मोहक चित्रण है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। भक्ति रस प्रसाद गुण है, सवैया छंद है, गेय शैली और संगीतात्मकता है। इन पदों में वारने के कारण इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। इस सवैये में उल्लेख अनुप्रास पदमैत्री स्वभावोक्ति श्लेष आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में इतना ही। पिछली वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा है आपको पद रुचिकर लगे होंगे और समझ भी आ रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।
आपका दिन और जीवन मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।